गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों, आज हम कंप्यूटर का थर्ड पार्ट करेंगे। इसमें हम सिर्फ 13 क्वेश्चन करेंगे, तो सो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित हैं। ए सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, बी हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, सी प्रमुख मेमोरी एंड स्टोरेज, ऑपरेटिंग प्रणाली व एप्लीकेशन, ई इसका राइट आंसर होगा ई कंट्रोल यूनिट व ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए माइक्रोचिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, प्रमुख मेमोरी के समन्वय में कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर होगा सी CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, CPU का प्रमुख कार्य है 54 का, तो इसका राइट आंसर होगा डी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। डी मतलब ए और सी प्रोग्राम, सॉरी इसका राइट आंसर होगा ए और सी प्रोग्राम निर्देशों व अमल करना, और सी डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है, तो 55 का राइट आंसर होगा ई उपयुक्त सी एंड डी। सी में डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रविष्ट किया गया है, डाटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, तो इसका राइट आंसर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सभी तार्किकीय एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, 56 का राइट आंसर है आपका सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 57 अर्थमेटिक ऑपरेशन, 57 का राइट आंसर है डी एंड और नॉट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसे हम इलेक्ट्रिकल में पढ़ेंगे। ये एंड गेट और गेट और नॉट गेट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, 58 इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है, तो इसका राइट आंसर है डी कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता, 59 का राइट आंसर है आपका डी अंडरस्टैंडिंग समझना। 60 कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, अधिकांश प्रोसेसिंग कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है, डी CPU में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट परिचालन संपन्न करता है, 61 का राइट आंसर होगा आपके पास डी अर्थमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, 62 का राइट आंसर है ई टेक्स्ट को स्कैन करना, ये टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता। 63 किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, इस सूचना को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है 63 का बी इनपुट। तो दोस्तों, ये थे आपके पास कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन, आज हमने इतना ही करेंगे 13 क्वेश्चन, कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू एंड गुड डे।